ऑटो रिक्शा में छुटे बैग को एसपी ट्रैफिक ने सकुशल बरामद कर पीड़िता को किया सुपुर्द। पीड़िता ने यातायात पुलिस को किया धन्यवाद। गोरखपुर प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि ठंड में प्राणी उद्यान केंद्र में अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरह की गई है व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में रखा गया है कंबल व पुआल। डीएफओ विकास यादव ने आयरन गार्ड लगाने पर कहा कि हम लोगों ने शहर में अभी तक लगाया है 7,000 आयरन गार्ड, अगले साल 10,000 आयरन गार्ड लगाने का है लक्ष्य। नगर निगम के द्वारा गोलघर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए 3 क्रेन का किया जा रहा है टेंडर। गोलघर में खड़े वाहनों को उठाकर भेजा जाएगा यार्ड। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसम पंचमी के पावन पर्व पर खाद कारखाना परिसर में 1,000 जोड़ों के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 252 करोड़ रुपए की लागत वाली 91 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। वाहन पर विधायक का कूट रचित वाहन पास लगाकर चलने के आरोप में एक अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल।